सीडीपी का अगला औखा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिग फाइव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, इन्हां विचों किहड़ियां पांच वड्डियां क्लासरूम प्रबंधन रणनीतियां दर्शाउंदियां हन। जे तुसीं ओह वीडियो देखिया होण जिहदे विच मैं ओह दस्सिया सी कि हमेशा ही स्कूल विच क्लासरूम विच किद्दां दे शब्द जदों वरते जांदे है, मतलब पॉजिटिव इमोशन रिलेटड शब्द वरते जांदे है ते ओह हमेशा ही राइट होवेगा। फॉर एग्जाम्पल जे इस नुक्ते नूं लैके चलना है, इस तो इलावा एक शब्द स्पष्ट रूप विच उहना वीडियो च दस्या है कि जदों भी ये शब्द आवे तो अवॉइड करना है, नैचुरली है कि वह शब्द नैगेटिव होणगे। इत्थे पॉजिटिव शब्द कहड़े ने, एंगेजमेंट करना, इनवॉल्व करना, बच्चों नूं शामिल कर लेना, दी बेस्ट नंबर वन रैंक, ये सब तो जरूरी है। और ये अगला शब्द आ सकता है ओथेंटिक एंगेजमेंट, ओथेंटिक एंगेजमेंट है रियल प्रॉब्लम विच बच्चा रियली एंगेज हुंदा है किसी प्रॉब्लम नूं सॉल्व करने लिए, कंस्ट्रक्टिविज्म द्वारा दसी गई है। अच्छा हुण मिसबिहेवियर इत्थे क्वेश्चन मार्क है, असी सोच लई छड़ दिता है, बाकी जिहड़ियां ऑप्शन ने उहनां नाल कंपैरिजन करांगे। अच्छा रूल्स है, यस रूल बेशक बिहेवियरिज्म अप्लाई करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म रूल यस ये स्ट्रैटेजी है, इन्हों भी टिक कर लिया है, पहले नूं भी टिक कर लिया है। रूटीन रोज़ जिहड़े काम हुंदे हन, जेकर एक क्लास विच एक दिन कुछ होर हो रहा है, दूसरे दिन कुछ हो रहा, तीसरे दिन, मतलब कि अनएक्सपैक्टेड है, बच्चों नूं क्लीयर नहीं है, कॉन्सिस्टेंसी नहीं है, निरंतर उही चीज़ां नहीं हुंदियां ते बच्चों की आदत नहीं बनती, बच्चे डिसिप्लिनड नहीं रहिंदे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की टीचर ने ड्यूटी लाई हुई है कि इस बच्चे ने यह बोर्ड नूं साफ रखना है, जां ये जो लर्निंग मटीरियल है उसका इंतजाम इस तरह करके रखना है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है उसनूं ऑन ते ऑफ करना है, वो किसी न किसी बच्चे की ड्यूटी, ये रूटीन वर्क है। सो ये मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज ने, प्रेज बिहेवियरिज्म का री इनफोर्समेंट का कंसैप्ट 100% इतने पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सो चार साढ़े को आ गई हैं, ये बारे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अगे देखा एंगेजमेंट रिपीट हो रही है, इसनों अंडरलाइन कर लिया, रूल रिपीट हो रहा, ये रिपीट हो रहा, हूँ इतने सिर्फ पनिशमेंट आ गई है। जे तुसी वो वीडियो देखी हुए मैं दिखा दिना हाँ कि पनिशमेंट मैं कहा सी जिथे भी शब्द आएगा वो हमेशा ही रोंग ऑप्शन होएगी। सो मैं ज़्यादा एनर्जी नहीं लाई क्योंकि मैं स्टडी भी किया है, जिसने वो वीडियो देखी होगी वो भी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा पनिशमेंट है। सो अगले विच भी एंगेजमेंट जी पॉजिटिव है, मिसबिहेवियर क्वेश्चन मार्क है, पनिशमेंट आ गया मैं जल्दी रिजेक्ट कर दिता, पनिशमेंट आ गया मैं जल्दी रिजेक्ट करता। तुसी देखो मैं इतने एक्सप्लेन करनु तानु समझाउण लई टाइम ला रहा है, जे मैं खुद एक क्वेश्चन करना होवे ते मेरे मन विच नुक्ता वो शब्द टैग वर्ड बैठा होया है कि पनिशमेंट रोंग हुंदा है, तो मैं बड़ी जल्दी ही इस ते राइट क्लिक कर दांगा, फस्ट नू ऑप्ट कर लांगा, अदरवाइज मैं मिसबिहेवियर विच ते उहदे विच फसिया रहांगा। हुण दो नुक्ते आए इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करन लई, एक तां मैं एक्सट्रीमली नैगेटिव अनएक्सैप्टेबल वर्ड जिहड़ा लर्निंग थ्योरी ने सुजैसट किया है, ईवन बिहेवियरिज्म ने पनिशमेंट का कंसैप्ट बेशक दिता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट का, पनिशमेंट उन्होंने भी ना यूज करन लई निगलिजिबल यूज ते जोर दिता है। सो उहदे आधार ते मैं ये तीन ऑफ कर दिते। दूसरा है मैं पॉजिटिव आइडेंटिफाई करा कि पॉजिटिव किहड़े किहड़े शामिल हन, ये पॉजिटिव शामिल हन, है ना। जे मैं मिसबिहेवियर का पनिशमेंट ना करा कि मिसबिहेवियर नूं पनिशमेंट ना ठीक किया जाएगा, नहीं पनिशमेंट ना नहीं ठीक होना, हर हालत विच इको सिंगल फार्मूला कि पनिशमेंट इहदे राइट तीन जगह की रिजैक्शन सानू राइट आंसर वल लैके आराम नाल जा रही है। सो ये हुण जे तुसी दूसरा नुक्ता की है नॉलेज बेस्ड नुक्ता जिहड़ा मैं घट सुजैसट करदा हाँ, बिग फाइव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, हुण असी दूसरा है कि असी क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ पढ़ीए, उहदा कंसैप्ट पढ़ीए, हाँ पढ़ना चाहिए है, समझना है, लेकिन जे तुहाडे कोल नॉलेज उहदी नहीं है तां इस तरह तुसी इस नूं सॉल्व कर सकते हो। हुण दो गल्लां मैं दसण लगा हाँ, एक तो ये कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज होंदिया की है, सिंपल गल है, वड्डा कंसैप्ट नहीं है, कंसैप्ट तुहाडा हैल्प करता है जेकर अगे तो अजिहा क्वेश्चन आ जाता है ते तुसी ये डिस्ट्रक्टर नू रोंग ऑप्शन नू भी हिला सकते हो, हटा सकते हो जे नहीं इस ना मैच कर रहा। क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की है कि क्लासरूम विच पॉजिटिव कुछ चीज़ा हैं जिहड़ियां पॉजिटिव मीन लर्निंग नाल रिलेटेड, कुछ चीज़ा लर्निंग नाल रिलेटेड हैं, वो लर्निंग नाल रिलेटेड चीज़ा हैं, लर्निंग मटीरियल है, अच्छी प्रैक्टिस है, गेम है, लर्निंग गेम है, उस एनवायरमेंट नू वधाउणा
ते जिहड़ियां नैगेटिव लर्निंग नाल नहीं रिलेटड नॉन लर्निंग एनवायरमेंट है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बच्चे शरारत करते हैं, बच्चों ज़्यादा स्ट्रैस फील होती है कुछ लैसन पढ़ते हुए जां किसी खास लर्निंग सिचुएशन विच, इन्हां नूं घटाउणा है। इस नूं कहिंदे हन क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। दूसरा मेरे ख्याल विच ये तुहानूं वीडियो देख लेना चाहिदा है, क्योंकि इस तरह मैं रोंग ऑप्शन की लिस्ट बना के तुहानूं दित्ती है, तुसीं एक कॉपी पेन लैके इनू नोट कर लेना है कि गलत हुंदी है, दूसरे पासे सही ऑप्शन जिहड़े हमेशा वर्ड हुंदे ने टैग वर्ड मैं अंडरलाइन करके दसी है, जे सारे नोट करने वह भी नाल दसे ने। इहदे विच देखो नैगेटिव इमोशन हमेशा ही गलत होएगा, रिब्यूकिंग है पनिशमेंट है ना, रिप्राइमेंट है पनिशमेंट है, सो इहदे आधार ते एक वीडियो तो पनिशमेंट नूं बार बार टीचिंग लर्निंग प्रोसैस नाल रिलेटड वीडियो ने अजिहे 6-7 वीडियो ने, इस तो ज़्यादा ही होणगे, वो वीडियो विच अजिहे टैग वर्ड तुसी आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन नूं जल्दी सॉल्व कर सकते हो। वापस चलते हाँ अगले क्वेश्चन ते। रिवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस टेस्ट इज़ ए टाइप ऑफ डैश, क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाना चाहिए है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, इंडिविजुअल वर्बल है, वर्बल ग्रुप है। देखो इत्थे तां इस मैं तां इस तरह ही सॉल्व कर रहा ही, क्योंकि मेरे को इन्नियां पीएचडीज़, मेरी खुद की पीएचडी विच भी यही टेस्ट लगा हुआ है, वो ही टेस्ट मेरे को अजे तक पिया हुआ है। रेवन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस टेस्ट विच ये ओरिजिनल टेस्ट है, इस तरह नज़दीक कर देना है, इस तरह डिज़ाइन दिते हैं, डिज़ाइन दे नीचे एक डिज़ाइन दे विच एक ब्लॉक खाली है, जेड़ा डिज़ाइन विच बनिया होया है उसनों फिल करना है लॉजिकली, ते नीचे उस मिस पार्ट दे 6 ऑप्शन दितियां गई हैं, तुसी उस 6 ऑप्शन दे विच्चों जेड़ी मैक्सिमम राइट करैक्ट फिट हुंदी है वह लभनी है। रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस विच सारे 60 इस तरह के डिज़ाइन हैं। हुण ये डिज़ाइन जेड़े हैं किते भी भाषा का प्रयोग नहीं है, किसी भी इलिटरेट बच्चे नू, डिसेबल्ड बच्चे नू, लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले बच्चे नू, अडल्ट जेड़े इलिटरेट हैं उन्हां नू, है ना, जिन्हां नू भाषा की किसी नू भी प्रॉब्लम है उन्हां ते ये टेस्ट लगाया जा सकता है। मैं पिछले वीडियो च दस्या भी सी कि ये टेस्ट का बेस स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्यूरी है, उहदे विच जी फैक्टर ते एस फैक्टर है, जी फैक्टर ते अगे एक नॉन वर्बल सब फैक्टर है, उहदे बेस ते रेवन्स ने ये टेस्ट बनाया ही, जिहड़ा वर्ल्ड विच नॉन वर्बल नंबर 1 का टेस्ट है। सो ये टेस्ट एक तो हो गया कि नॉन वर्बल है, साढ़े को आंसर इतने क्लीयर आ गया कि रेवन्स का जिहड़ा टेस्ट है वह वर्बल नहीं है, क्योंकि उहदे विच भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग मतलब बच्चा उस टेस्ट नूं देण लई उसनूं भाषा नहीं चाहिए, जिवें तुहाडा टेस्ट वर्बल टेस्ट है, तुहानूं भाषा पंजाबी ते इंग्लिश आनी चाहिए है ना, उन्हां बच्चों नूं जिहड़े पंजाब तो बाहर ही ने लेकिन ये टेस्ट दे रहे ने, हिंदी उन्होंने पढ़ी है, पंजाबी नहीं 10वीं तक पढ़ी वो दे रहे ने, उन्होंने ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब भाषा वाला टेस्ट है ये, इत्थे भाषा का कोई प्रयोग नहीं है। दूसरा ये आधार पर असी इस भी कट दिता, इंडिविजुअल इतने वर्बल आ गया इनू भी कट दिता, हुण वर्बल ग्रुप टेस्ट है इनू भी कट दिता। देखो सिर्फ इन्ना जे पता है कि नॉन वर्बल टेस्ट सी ते सारे कट्टे गए क्योंकि वर्बल 3 जगह आ रहा है। हुण एक ग्रुप टेस्ट की है, क्योंकि अगले क्वेश्चन लिए समझ लेना चाहिए है, क्योंकि इक्को समय इस तरह दियाँ मैं 50 कॉपीज इस तरह के सैट इक्को क्लास विच मान लो 50 बच्चे ने उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हाँ, ये उसकी रिस्पोंस शीट है जिस ते बच्चों ने जवाब देने हैं, ए ओके ये विच ते जवाब देने हैं, बच्चों ने जवाब दे ये पकड़ा देनी है, जिस तरह तुसी ये टेस्ट दे रहे हो इक्को टाइम ते पंजाब दे किन्ने बच्चे दे सकते हैं, ग्रुप टेस्ट है पर वर्बल है, इसी तरह नॉन वर्बल है ग्रुप टेस्ट है। सिर्फ भाटियाज बैटरी जिहड़ा पॉपुलर टेस्ट विचों आउंदा है बैटरी है, बैटरी का मतलब हुंदा है जिस विच एक तो वध सब टेस्ट होण, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी वो परफॉर्मेंस टेस्ट है, उहदे विच भी भाषा की जरूरत नहीं है, पर उच ये डिज़ाइन नहीं होंगे, उहदे विच बच्चे ने एक्टिविटी करनी है, उन्होंने ब्लॉक दिते जाते, मैं दिखावांगा किसी वीडियो विच, मैं ये सारे टेस्ट तुहानू दिखा लवांगा, मेरे को सारे पए ने, ईजी हो जाएगा जो देख लोगे, हर बार एक अद्धा क्वेश्चन इस पर आ जाता है। सो नॉन वर्बल है तो ग्रुप पर लगाया जा सकता है।
ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੂਲਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਫੋਰ ਤੋਂ ਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਰਨਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਫੋਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੋਨ ਥਰੈਟਨਿੰਗ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੋਨ ਥਰੈਟਨਿੰਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਮੀਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ PSAT ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੈਟਜੀ ਅਪਲਾ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾਈ ਅੱਛੀ ਸਟਰੈਟਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਕੇ 10 ਮਾਰਕਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਟਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਅੱਛਾ ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਹੈ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਟਰਮ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਮਿਟਿਵ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਟਰਮ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਨੇ 70% ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਟਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਟੀਚਰ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੈਥ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਨੇ ਬੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਨੋਟੇਬਲ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਪਲਟ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਡਿਬੇਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਟੈਗ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਰਟ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ
कि पोर्टफोलियो विच सारियां जिहड़ियां बच्चे दे प्रोडक्ट्स हन, लर्निंग मटीरियल है, असाइनमेंट्स है, उन्हां नूं नहीं एवैल्यूएट किया जाता, रिप्रजेंटेटिव सैंपल के तौर पर कलैक्ट करके उन्हां नूं एवैल्यूएट किया जाता है। अच्छा, क्विज़ है, रिटन एग्जामीनेशन एट द एंड ऑफ दी। सो जे तुसी तीजी स्ट्रैटेजी अपनानी होवे, ऑड मैन आउट, मैं स्ट्रैटेजीज वाली, रूल ट्रिक वाली, वीडियो लॉजिक वाली दसी सी ना, इहदे विच ए सेम आ रहा है, ऑड सॉरी इहदे विच एग्जामीनेशन एट द एंड ऑफ, एग्जामीनेशन एट द एंड ऑफ, एग्जामीनेशन एट द एंड ऑफ, तिना में आ रहा है, इस विच नहीं आ रहा, ऑड मैन आउट के मुताबिक भी यह आंसर लभ्या जा सकता है। तुसी केड़ी मर्जी स्ट्रैटेजी ने अपनाओ, गल है कि मैं एक क्वेश्चन नू किस किन्ने तरह नाल सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि तुहाडे माइंड ने जिहड़ी कैप्चर कर ली उही तुहाडे लई सोना है, बाकी मैं जिन्ना मर्जी बहुं बहुं करी जावां तुहानूं फायदा नहीं है, जो तुहानूं फायदा हुंदा है सिर्फ वह अपनाओ। नैक्सट क्वेश्चन है, सेंस ट्रेनिंग इज एम्फेसाइज बाय होम, किस द्वारा सेंस ट्रेनिंग लई किस ने हमदर्दी जताई, ट्रांसलेशन एरर जिहड़ा मुद्दा चल भी रहा है। अच्छा, ये मैनू पता है कि सेंस ट्रेनिंग ते जां प्री प्राइमरी बच्चों ते वर्ल्ड विच नंबर वन जो काम किया गया है वो मोंटेसरी ते फ्रॉबल द्वारा किया गया है। फ्रॉबल दी अप्रोच फिलोसॉफिकल ज़्यादा सी, मोंटेसरी दी क्योंकि डॉक्टर सन और उन्हां दी साइंटिफिक ज़्यादा सी, से सेंसिस ते उन्हां ने ज़्यादा जोर दिता है सेंसरी ट्रेनिंग ते। ये मेरे को राइट आंसर सी। दूसरा तरीका, पहला तो है कि मैं राइट आंसर लभ लिया, दूसरा तरीका इसनूं करन दा की हो सकता सी, मैनूं पता है कि जॉन डेवी उन्हां दी अप्रोच जिहड़ी सी उन्हां दी प्री प्राइमरी ते कम नहीं सी, उन्हां दा थोड़ा जिहा स्कूल दी हायर क्लास ते कम सी, और उन्होंने लैबोरेटरी स्कूल खोलिया, इसलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन दे फादर सन। पेस्टोलॉजी दी अप्रोच सीधी इन्नी इंपॉर्टेंट सीधी नहीं दिखाई दिंदी, इन्हां दे बेस ते मैं ये दोवां नूं रिजेक्ट करदा सी, मेरे को मोंटेसरी ते फ्रॉबल बचदे ही, फ्रॉबल तो फिर क्योंकि अज सब तो ज़्यादा स्कूल जिहड़े वर्ल्ड च साइंटिफिक चल रहे ने प्री प्राइमरी दे मोंटेसरी दे चल रहे ने, दैट इज़ वाई ये नंबर वन अप्रोच है। इस दे आधार ते मैं इस तरह गैस भी लगा सकदा सी जे मैनूं आंसर नहीं पता सी, पर ये बहुत औखा क्वेश्चन नहीं सी। इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग, जो ही इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग मेरे मैं शब्द सुनता हाँ, मैनू की याद आता आ जाता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर, देखियो एक कंप्यूटर याद आ जाता है, दूसरा इनफॉर्मेशन, एम मैं कढ लिया, एम फॉर मैमरी, मैमोरी, ठीक है, मैमरी विच की सी कि तुसी किसे चीज़ नू उस तरह जिस तरह रेफ्रिजरेटर विच चीज़ रखते हाँ, एक बच्चा ए फॉर एप्पल नू अपने माइंड विच रखता है, नंबर एक उत्थे सुरक्षित रखता है अपने मन विच, नंबर दो ते जरूरत पैन ते उसनू बाहर कढ़दा है। एक ही प्रोसैस हो गई, रजिस्टर, रिटेन एंड रिट्राइव जां रिकॉल, ये है मैमरी। ये जिहड़ियां मैं तीन गल्लां दसियां हैं, चार भी शामिल हो जांदियां हन, इसे प्रोसैस नू इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग कहा जाता है। हायर ऑर्डर ते ये बदल जाती है, रीजनिंग है, अवेलेबल इनफॉर्मेशन बेस ते नवे रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेना है, पर इन्ने नू तुसी याद रखना है। मैं की याद रखिया, क्योंकि कंप्यूटर मॉडल नू ये यूज़ करते हैं, इनफॉर्मेशन मैमरी है, मैमरी कोगनेटिव आस्पैक्ट है, कोगनेटिव आस्पैक्ट है, और इस दा संबंध जिहड़ा है इनफॉर्मेशन नू रखन सुरक्षित रखन और वापस कढ़न ते सिर्फ इन्नी गल है। हुण क्वेश्चन की सी, इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग मोस्ट क्लोजली अलाइंड विद, इस नू मैं उड़ा देवां, उड़ा दिता जी, सूचना प्रोसैसिंग सब तो वध के दे नाल नेड़े तो जुड़ी हुई है, बिहेवियरिज्म, कोगनेटिव साइकोलॉजी, सोशल कोगनेटिव साइकोलॉजी, इकोलॉजी। पहला तो जे मैनू ओनी इनफॉर्मेशन है मैं राइट आंसर सीधा लभ लवांगा, क्योंकि मैमरी, कंप्यूटर, इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग कोगनेटिव आस्पैक्ट है। कंप्यूटर नू क्यों कह दिता कोगनेटिव, क्योंकि जो तुसी एक मॉडल बनाते हो इंटैलीजेंस का, सब तो सेंटर च लिखते हो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, फिर अगले चक्कर विच लिखते हो जनरल इंटैलीजेंस, आई क्यू जिसनों कहते हो, फिर तुसी लिखते हो उस तो वड्डा है इमोशनल इंटैलीजेंस, सब तो वड्डा चक्कर है स्पिरिचुअल इंटैलीजेंस, एस आई,
इहदी जगह क्यू 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 भी पाया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस जो कंप्यूटर विच यूज हुंदी है। ठीक, सो उहदे आधार ते मैं सिंपल इसका आंसर तो लभ ही लिया सी। मान लो जे मैनू आंसर नहीं पता, मैं की करांगा, मैं अवेलेबल इनफॉर्मेशन यूज करांगा। मैनू पता है कि बिहेवियरिज्म जदों भी शब्द आता है, बिहेवियर का मतलब रिस्पोंस, रिस्पोंस ते स्टिमुलस दी एसोसीएशन की गल करते, कनैक्शन की गल करते हैं, और ये वो थिंकिंग की गल नहीं करते। थॉर्नडाइक वगैरह ने अंडरस्टैंडिंग है ना, ब्लूम टैक्सोनोमी, दैट इज़ वाई बिहेवियरिज्म लोअर लैवल से कोगनेटिव डोमेन पर रह जाता है, मैमरी मैमोराइजेशन पर रह जाता है। सो थिंकिंग की गल नहीं करते, इतने थिंकिंग की गल है, इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग ब्रेन में होना, दैट इज़ वाई वो बेस पर मैं इनू रिजैक्ट कर दिता। अच्छा, इकोलॉजिकल वातावरण, वातावरण बिल्कुल बाहर है, मन के अंदर इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग का कोई संबंध नहीं दिखाई देता, मैं इसको रिजैक्ट कर दिता। तीसरा शब्द इत्थे सोशल कोगनेटिव थ्यूरी है, आ सोशल दे बेस ते इनू मैं रिजैक्ट कर दिता, क्योंकि ये सारिया चीज़ा बाहर हैं, इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग अंदर है, दैट इज़ वाई फिर मैं पहुँच गया कोगनेटिव साइकोलॉजी ते राइट आंसर लभना। सो स्ट्रैटेजी ज़्यादा लर्न करो, इन्हें नॉलेज भी हाँ ले सकते हो तुसी। ठीक है, रॉबर्ट सीगलर प्रेजेंटेड द फॉलोइंग थ्री मैकेनिज्म टू क्रिएट चेंज इन चिल्ड्रन कोगनेटिव एक्सेप्ट। मैं क्या सी इसनू नैगेटिव वर्ड नू अंडरलाइन कर लेना, मतलब चार है उहदे चो एक केड़ी होएगी। रॉबर्ट सीगलर दे बच्चों के बौद्धात्मिक, बौद्धात्मिक है हुनरां विच तब्दीली पैदा करन लई हेठ लिखियां विचों किस नू तरजीह दिती है। अच्छा, मान लो ए, मान लो नहीं, ये सच है कि इस अप्रोच नू मैं खुद भी नहीं सी पढ़िया, तो इसका ज्ञान मेरे को नहीं है। हुण मैं जिहड़ियां वीडियो बनाईयां सी ते उन्हां दे आधार ते जिहड़े ट्रिक्स असी लॉजिकल ट्रिक्स अप्लाई कर सकते सी, इत्थे किहड़ा अप्लाई करांगे ना, मैनू एनकोडिंग, हाँ एनकोडिंग दा ये पता है कि ये शब्द है, ये शब्द नू देख के जिहड़ा मैं मन विच मीनिंग, मेरी इनफॉर्मेशन मैं कलैक्ट कर लैना, मीनिंग समझ आ जांदे, इहनू एनकोडिंग कहिंदे आ, ते मैनू लगदा है सीधा उहदे नाल संबंधित है, दैट इज़ वाई इसनू मैं शामिल कर रहा सी, पर इत्थे सी नॉट। हुण इस नू शामिल किया गया, एक ए हो गया ऑटोमैटिसिटी, मैनू कोई मीनिंग नहीं, मैनू कोई कंसैप्ट नहीं पता ऑटोमैटिसिटी दा, मैं इन्ना समझदा हाँ भी ऑटोमैटिकली अपने आप जिदा स्टिमुलस रिस्पोंस हुंदा इस तरह मशीन वांगू, मैनू इन्ना पता है। हुण है मैं स्ट्रैटेजी कीड़ी अप्लाई करा, स्ट्रैटेजी ए स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन है, इत्थे स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन है। एक वीडियो मैं दस्या सी जिथे दो विरोधी ऑप्शन होन राइट आंसर उहदे विच छुपिया हुंदा है, जिथे दो सिमिलर होन, मोस्टली सिमिलर शब्द मीनिंग जिन्हां दा सिमिलर होवे उहनां विच उहनां नूं गलत ऑप्शन विच शामिल करना चाहीदा है। हाँ, सो इत्थे जे मैनूं इहदा मतलब नहीं पता, इहदा मतलब नहीं पता, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन ते स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन जिहड़ा है ए, मैनू लगता है कि ए आपस विरोधी ने, क्योंकि स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी शब्द मिल रहे हैं, इन्हां च एक राइट आंसर होएगा, तो इत्थे प्रोबेबिलिटी 50% वध जांदी है जे इहदे विच्चों मैं एक नू चूज़ कर लैंदा हाँ। एक वीडियो च मैं ये दस्या सी कि ए बी सी डी नालों बी ते सी सब तो ज़्यादा पिछले पेपरां च आंदे आ, मैं ये नहीं कहना कि अगलियां विच भी इस तरह होएगा आते ने, पर उन्हों मैं क्योंकि आए है, मैं दो साल का एनालिसिस UGC नेट से ज़्यादा एनालिसिस भी किया है, तो मैं हूँ इन दोनों चो जो एक चुनना है, मैं उत्थे क्या सी डी सब तो घट हुंदा है, मैनू लगा सी, मैं उहदे बेस ते बी ऑलरेडी रिजैक्ट हो चुका है, तो मैं क्या इन दोनों चो एक चुनना है, तो नैचुरली है मैं सी नू, सी ते डी चो सॉरी एक चुनना है, मैं सी नू राइट आंसर चुन लाँगा। ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की मैं हूँ आप देख लीए कि असल विच ये कंसैप्ट है कि। अच्छा, रॉबर्ट सिंगलर डिस्क्राइब थी मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग अप्रोच, उन्हों की इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग के तीन पार्ट हैं, अगे तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थिंकिंग चेंज मैकेनिज्म सैल्फ मोडिफिकेशन, कि जिहड़े छोटे बच्चों पर है उन्होंने दी कोगनीटिव स्किल्स उन्होंने सिखाने लई, वैसे उन्होंने दस दवां जिहड़ा मैं हूँ स्टडी किया है, उन्होंने मैथ्स से मैथ्स दी प्रॉब्लम सॉल्व करन लई ए रिसर्च की सी। हुण मैथ्स का सम जे तुसी इको शब्द विच करना होवे, मैथ ने करना की है, रीजनिंग डिवेलप करनी है, बेसिक परपज उहदा रीजनिंग है ना, एंड मी रीजनिंग इज ए कोगनेटिव आसपैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कोगनेटिव आसपैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। हुण देखते हाँ कि जिहड़ा क्वेश्चन पुछया गया है चेंज मैकेनिज्म, किसदे ते चार
पार्ट ने इंटीग्रेटेड ही बिलीव्स दैट फोर मेन मैकेनिज्म वर्क टुगेदर, ये चारे एलीमेंट इकट्ठे काम करते ने बच्चों विच कोगनेटिव स्किल्स नू डिवेलप करने लिए। कोगनेटिव स्किल्स केड़ी, फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग है, रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, है ना, वो है उन्हां चो इन्होंने दिता होया है। राइट आंसर साढ़े सामने है। एनकोडिंग है साढ़े जो शामिल है, ऑटोमेटाइजेशन है शामिल है, स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन है ना, यस, एंड जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन ऑप्शन च नहीं है, सो स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन है। ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता, दैट इज़ वाई साडा राइट आंसर स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्शन जिहड़ा असी तुक्का लगाया सी। कई बच्चों ने इस तरह तुक्के लगाए ने, ट्रिक अपलाई किए ने, सॉल्व हो गए। सो राइट आंसर इस तरह स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन है। यूजिंग अपलाइड बिहेवियर एनालिसिस इन एजुकेशन द रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सैप्ट, ये क्वेश्चन पाउण दा ना बड़ा ही सौखा तरीका हुंदा है। इदां दे क्वेश्चनां ते मेहनत घट होई सी, एक्चुअली औखे क्यों तुहानूं लगे जां सानूं लगे, सच में कहना औखा, क्योंकि थोड़ियां वक्खरियां स्टेटमेंट नॉर्मल तों जां थ्यूरी दा सब पार्ट दा सब पार्ट इस तरह चुकिया गया। हुण इहदे विच की है, मैनूं कोई ज्ञान नहीं सी, मैं नहीं पढ़िया, हाँ सुनिया है पहलां दा लेकिन नहीं कुछ पढ़िया सी। मैं हुण इसनूं सॉल्व करना हाँ। मैं जदों सॉल्व करन लगा तो मैं अंडरलाइन किया अपलाइड बिहेवियर एनालिसिस, इस नूं इस तरह कर लिया। इहदे विच्चों भी मैं मेन शब्द लै लिया, तुक्का लगा रहा हाँ, बिल्कुल लॉजिकल गैस है, लॉजिकल है बस। बिहेवियर कि बिहेवियरिज्म नाल संबंधित हो सकता है, बिहेवियरिज्म ई एज एम छोटा करके लिख दिता। बिहेवियरिज्म की है, स्टिमुलस रिस्पोंस है, है ना, स्टिमुलस की है, अच्छा भी हो सकता बुरा भी हो सकता। जिहड़ा अच्छा स्टिमुलस है वो जिहड़े री इनफोर्समेंट हो गई, अच्छा स्टिमुलस देना, बुरा स्टिमुलस देना जिहड़ी है पनिशमेंट हो गई। इट मीनस री इनफोर्समेंट कॉन्सीक्वेंसिज इस तरह की गल करेगी, जिस नाल जिहड़ा बिहेवियर तुसी चाहते हो बच्चे का, उस बिहेवियर ते उन्हों टॉफी, आशीर्वाद, समाइल, हग, मोबाइल, जो भी वह चीज़ चाहता है, पॉजिटिव री इनफोर्समेंट दिती जाएगी तो रिपीट करेगा। ये थ्योरी इन्नी याद ते इहदे विच्चों मैं हुण राइट आंसर लभना है, क्योंकि एक्सैप्ट दस्या है, इट मीनस नॉट वाला लभना है। बिहेवियरिज्म नाल रिलेटड तीन होणगे, एक नहीं रिलेटड होएगा। सो इनक्रीज डिजायरेबल, इहदे बिहेवियर की जगह डिवेलपमेंट कर दिता इत्थे, ए पर मैनूं पता सी इनक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर हमेशा उहदे विच ही वरत्या जांदा बिहेवियरिज्म च। डिक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर, है ना, ए बिहेवियरिज्म ना दोनों ही आ गए, इसलिए पर चले गए। यूजिंग प्रोम्पटिंग एंड शेपिंग, इस नूं मैं रब करन लगा हाँ, जिहड़ा शेपिंग वर्ड है, क्योंकि ये स्किनर ने वरत्या है, प्रोम्पटिंग शब्द वरत्या है, और मेजर उन्हों का कंसैप्ट है। सो ए भी बिहेवियरिज्म हो गया, ए भी बिहेवियरिज्म हो गया, ए भी बिहेवियरिज्म हो गया। सो ये आधार पर मैं राइट आंसर ये लग रहा है। फिर मैं देखिया कि यह बिहेवियरिज्म नहीं मैच कर रहा, ये एको शब्द जो कह रहा है रिफलैक्शन, रिफलैक्शन से सिर्फ तो सिर्फ कोगनेटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म ज़्यादा जोर दिता है। सो बिहेवियरिज्म रिफलैक्शन से जोर नहीं दिता। तुहानू उलझाउण लई की किया गया, इहदे विच बिहेवियर शब्द टर्म पा दित्ती गई। बस मैं उन्हां वीडियो विच फिर कह रहा हाँ, टैग वर्ड वाली वीडियो विच ये शब्द पाया होया है कि जिथे रिफलैक्शन आता है उत्थे कंस्ट्रक्टिविज्म नू, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म नू याद करना है, और ये फेवरेबल और राइट आंसर हुंदा है। पर मैं राइट आंसर नाल ये भी किया है कि जो पॉजिटिव स्टैम होवे, स्टैम ठीक है, जो स्टैम नैगेटिव हो गई है, नैचुरली है कि यह जड़ी है जड़ा, वैसे तो चलो इतने भी राइट आंसर बन गया, फिर वो रिलेशन विच तुसी सोच के इसनू राइट आंसर लभना है, क्योंकि उन्होंने क्या है अपलाइड बिहेवियर बिहेवियर ना मैच नहीं करती, ये कंस्ट्रक्टिव ना मैच करती है। इस तरह दूसरा तरीका लगा के भी इसनू सॉल्व कर लिया गया। देखो मैं बार बार ये कह रहा हाँ कि तुहानू लग रहा होएगा कि मैं वीडियो इस तरह कह रहा हाँ, तुसी होर कितों टैग वर्ड लभ लो, लेकिन कुछ एक
अजिहे शब्द ने जिहड़े सीधे कंस्ट्रक्टिविज़म सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म नाल संबंधित ने वह हमेशा ही फेवरेबल क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसैस टीचर दे कंसैप्ट लर्नर दे कंसैप्ट वल लैके जांदियां हन ते वह राइट आंसर हुंदियां जिहड़ियां इहदे विरोधी है वह नैचुरली रोंग आंसर वल लैके जांदियां हन जे अजिहा नहीं कर सकते फिर वह 7-8 वीडियो दे विच्चों कॉपी पेन लैके सारा कुछ नोट कर लो क्योंकि जिंदों मैं सिखाया उस तो बाद जदों दियां मैं वीडियो बनाईयां उस तो बाद सचमुच मैं नवा पेपर देख के उस नूं 15-20% जल्दी सॉल्व कर लेना है क्योंकि मैनू वह शब्द मेरे मन विच बैठ गए आ सो तुसी भी वह बिठा लो जे ईजी करना है दूसरा नॉलेज तो वधाउणी चाहीदी ही है अच्छा हुण नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल यूजिंग सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट देखो ये सौखा क्वेश्चन की हुंदा स्टेटमेंट चक्की विच नॉट पा के उहदियां ऑप्शन पातियां इसलिए सौखा बन जांदा हुंदा मल्टीकल्चरल एजुकेशन केड़ी डायमेंशन मल्टीकल्चरल एजुकेशन दी नहीं है कंटेंट सैग्रीगेशन उहना वीडियो विच मैं बार बार दस्या है फस्ट पार्ट वन विच है दस्या होया पार्ट टू विच भी दस्या होया है कि सैग्रीगेशन सैपरेशन हमेशा ही इनकलूसिव एजुकेशन तो वर्ड परे लैके जाते हैं दैट इज़ वाई तो एकदम शक करो कि रोंग ही होएगा ठीक सो इतने नॉट पूछा है रोंग इट मीनस राइट आंसर यही होएगा मैनू पहले ही टैग वर्ड ने इतने दसता लेकिन मैं हूँ तुलना करांगा रीजनिंग अप्लाई करांगा कि सच्ची ये मिसमैच करता है कि बाकी ये चीज़ा सैग्रीगेशन नैगेटिव है इसलिए इनू रिजैक्ट कर रहा हाँ तो बाकी की सच्ची पॉजिटिव है एम्पावरिंग वर्ड पॉजिटिव है ना स्कूल कल्चर पॉजिटिव है प्रिजुडस नैगेटिव शब्द है पर रिडक्शन है नैगेटिव शब्द है इट मीनस ये काम पॉजिटिव होया प्रिजुडस हुंदा है कि असी किसी ग्रुप प्रति इनजस्टिस वाली बायस्ड फीलिंग रखिया हुई हैं दो शब्द है ध्यान नाल समझ लेना एक है प्रिजुडस कि मैं सोचता हाँ कि जिहड़े डैश कास्ट कह लो धर्म कह लो पीपल कह लो नेशन कह लो है ना क्योंकि मैं डैश इसलिए बोलिया कोई भी परमात्मा ने नेचर ने इस तरह नहीं बनाया छोटा है जो वड्डा है सब नूं ओपरचुनिटी दिती है असी पोटेंशियल ना करते हाँ चलो कि कोई भी मान लो ये वर्ग जिहड़ा है ये नीवा हुंदा है तो जदों मेरी सोच है जदों वो एक्शन विच कन्वर्ट हो गई वो डिस्क्रिमिनेशन बन जाती है प्रिजुडस ते डिस्क्रिमिनेशन च ये फर्क है हुण इत्थे सोच है इसनू खत्म करना है इत्थे अजिही माड़ी सोच है उसनू घटाना है इहदा मतलब है कि पॉजिटिव है देखो मैं कुछ नहीं देख रहा मैं देख रहा की पॉजिटिव है की नैगेटिव है नॉलेज कंस्ट्रक्शन मैं उस वीडियो च बार बार क्या है बार बार के कंस्ट्रक्टिविज़म दा ये शब्द हमेशा टॉप ते रहना है पॉजिटिविटी दा ये पॉजिटिव हो गए देखो सारे शब्द पॉजिटिव मिल गए एक सैग्रीगेशन शब्द नैगेटिव मिलिया मैनू कोई नॉलेज नहीं सी उहदे बेस ते मैं ऑड मैन आउट करके फिर राइट आंसर लभ लिया फिर उही वीडियो दा प्रयोग हो रहा है अच्छा नैक्सट